हमारे अंदर जो परम पिता है वह अदृश्य शक्ति है और परमात्मा अदृश्य शक्ति है। तो हमारे अंदर जो परमात्मा की शक्ति है वह भी अदृश्य है। तो हम पहले अपनी अदृश्य शक्तियों को जगाने का प्रयास करते हैं और जब हम परमात्मा की शक्तियों से जुड़ जाते हैं तो परमात्मा रूपी महाशक्ति से भी हम जुड़ ही जाते हैं। क्योंकि पहले छोटे कार्य करने होते हैं और बाद में बड़े कार्य। जैसे संसार में ले लीजिए, हमारा जो राजनीति क्षेत्र है उसमें पहले MLA, फिर MP, फिर मंत्री, फिर प्रधानमंत्री, इस तरह से पहुंचा जाता है। तो आज का टॉपिक जो है यही है कि हम अपने अंदर की छिपी अदृश्य शक्तियों को किस प्रकार जगाएं। क्योंकि शक्तियां तो हैं लेकिन जागृत नहीं हैं, उनको किस तरह से जागृत करें। अगर शक्तियाँ जागृत हो गई तो हमें सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, उसके ऊपर और सीढ़ी चढ़ते हैं तो हमें परमात्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो बंधुओं, उसके लिए हमारे संतों ने एक ही उपाय बताया है और वही सर्वश्रेष्ठ भी है। जो थोड़े भी समझदार होते हैं वह समझ जाते हैं और उस कार्य में लग जाते हैं और उस कार्य को लगातार करते ही रहते हैं। जब तक छोड़ते नहीं तब तक वो अदृश्य शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती हैं और उन अदृश्य शक्तियों के द्वारा फिर वो वह भी उनको नहीं छोड़ते हैं जब तक परमात्मा तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। तो वह जो उपाय है शक्तियों को जगाने का वह केवल और केवल राम नाम जप है। उपाय बहुत सारे हैं लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वह है भगवान हरि का चिंतन, सुमरण, मनन, स्वाध्याय, ध्यान। इससे बढ़कर और कोई है ही नहीं। हमारे संतों ने भी परमात्मा प्राप्ति के लिए पहले शक्तियों को जागृत किया, उसके बाद में फिर परमात्मा से मिलन किया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो बंधु, हम तो थोड़े में ही समझाते हैं क्योंकि संत जो समझाते हैं वही हम समझते हैं और जो हमारी समझ में आता है और जो सर्वोत्तम होता है वही हम इस वीडियो के द्वारा, ऑडियो के द्वारा हम आगे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे अंदर उतर गया है हमारे और भाइयों के अंदर भी वह उतरे, उनमें जागृति आए, वह परमात्म तत्व तक पहुँचें और इसी जीवन में इस जीवन का कल्याण करें ताकि 84 लाख से छुटें और उसके बाद में जन्म मरण से भी छुटकारा प्राप्त हो। तो उसके लिए हमें पहले अपनी शक्तियों को जगाना ही होगा और वह राम नाम के द्वारा होगा, उस जिसका हम लगातार अभ्यास करें और एकाग्रता से करें और विश्वास के साथ करें। ये हम तकरीबन हर वीडियो में बताते हैं कि आप संसार का भी कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसमें आपकी निरंतरता होनी चाहिए, एकाग्रता और विश्वास होना चाहिए। आप कभी असफल हो नहीं सकते, आप 100% सफल होगे। और यह तो आध्यात्मिक आत्मा की यात्रा है, यह तो परमात्मा की यात्रा है, यह तो महाअदृश्य शक्तियों की यात्रा है। जो शक्तियाँ हमें नज़र आती ही नहीं है, जो अनुभव में आती हैं, तो इनके लिए तो निश्चित तौर से हमें वह गुप्त मार्ग पर चलना होगा जो हमें दिखाई देता नहीं है लेकिन संतों के द्वारा, गुरुओं के द्वारा
जो हमें इशारे मिलते हैं, उस इशारे पे अगर हम चलेंगे तो ज़रूरी बात है कि हम उन शक्तियों को जागृत कर पाएंगे और उसके बाद में हमें परमात्मा से भी मिलन अवश्य होगा। ऐसा ही हमारे संतों ने किया है। तो आशा करते हैं आप अपनी शक्तियों को जागृत करने के लिए, परमात्म तत्व को प्राप्त करने के लिए आप राम नाम जप का निरंतर एकाग्रता और विश्वास के साथ, और विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास के साथ आपको चिंतन करना होगा। तो अवश्य ही आपको शत प्रतिशत रिजल्ट आपके सामने आएगा। अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।